स्टूडेंट्स, आई एम मानी शर्मा, प्योर एजुकेटर. आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो, जिसमें हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू 6 दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो दिस इज पार्ट टू ऑफ योर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन क्वेश्चंस. So I've tried to make sure that I'm segregating the questions according to the genres, etc., making sure that it becomes easier for you all to practice questions, right? Coming to how are you all supposed to proceed? आप लोग अपनी notebooks, pen, paper, etc. keep handy with yourselves. कुछ चीज जो नहीं लग रही है उसको note down कर सकते हैं. Make sure that you're reading a question. वहां पे pause लें, pause कर ले screen को and then move forward by looking at the answer. ताकि आप साथ में अपनी प्रिपरेशन को कहां तक पहुंची है, किस लेवल की है, प्रॉपरली जज कर पाए. राइट, सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर. एडगर एलन पो इज ऑफ्टन कॉल्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. राइट, द ओरिजिनेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एज एन एस्टैब्लिश्ड जॉनरा. He defined the prose tale as. So Edgar Allan Poe, who is an American short story writer, जिनकी हमें writings देखने के लिए मिलती हैं, The Fall of the House of Usher, The Telltale Heart, etc. This person, इन्होंने short story को as a genre describe करा है, Poe prose tale को. What does he mean? How has he described that? Right? How has he described that? The right answer to this question is option A here. In his work, the philosophy of composition, which came around 1846, इस particular work में he has tried to describe एक prose tale will be a narrative which can be read at one sitting from half an hour to 2 hours. तो प्रोज टेल में ये शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं कि आधे घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में जो खत्म हो जाए एक ही सिटिंग में, वो एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके की प्रोज टेल कहलाएगी. राइट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोज टेल दैट ही हैज गिवन इन हिज राइटिंग, द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइटर्स सिंस चौसर हैव कम फ्रॉम द मिडिल क्लास, हैव हैड गुड एटलीस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन. This is a work written by Virginia Woolf. But ये work किसमें, ये lines sorry किसमें उन्होंने explain करी है, किस particular work में ये lines वो utter करती हैं. The right answer to this question is option C, The Leaning Tower. This was a paper, a sort of a lecture that she presented in the year 1940. तो जैसे इनका work था Am I a Snob, ठीक है, ये वर्क्स जो है जिनमें ये पेपर प्रेजेंट करिए. तो एक दफा यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ व्हिच शी हैज प्रेजेंटेड एज पेपर्स, बिकॉज मोर देन द मेनस्ट्रीम वर्क्स ऑफ वुल्फ आजकल इनके जो एसेज या लेक्चर सीरीज है उनमें से सवाल आ रहे हैं. इवन इन द लास्ट पेपर, जैसे मैंने एम आई एस नॉब आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी शी हैज रिटन डाउन. राइट, सो द लीनिंग टावर में वो चौसर के बारे में या बाकी राइटर्स के बारे में शी अटर्स दीज पर्टिकुलर वर्ड. So option C is the right answer. Next question we have here is match list 1 with list 2. So you have characters in the novels in which those characters do appear. So it's a mix of American literature, it's a mix of African literature, American African literature, right? And British literature as well. So it's a mix of all the types of literatures from around the globe. So agar inme se aapko ek do characters bhi aate honge to ho jayega. So if we try to take a lead here, Offred is a character in The Handmaid's Tale. ये किसने लिखी है? This particular work has been written by Margaret Atwood, right? और Konkwo is by Things Fall Apart. ये character Things Fall Apart में आता है, Chinua Achebe. Winston Smith comes in 1984. That is written by George Orwell. तो एक ही question को question की तरह नहीं देखना है, ये भी देखना है कि वो वर्क किसने लिखा है, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, चीजें समझ में आती हैं. राइट, एंड देन वी हैव सीथ. सीथ इज अ कैरेक्टर इन बिलवेड, रिटन बाय टोनी मॉरिसन. तो वर्क्स के नाम होना याद वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चिनुआ चीबी, देन हैंडमेड्स टेल इज बाय मार्गरेट एटवुड. लेट्स ट्राई टू मैच इट अप. सो 1:2, B:3, 1:2, B:3, C:1 एंड D:4. That is option A is the correct answer here.
A is the correct answer here. Then we have the next question. Who among the following declared in 1920 that there is no longer any intellectual life in England? Who uttered these particular words? The right answer to this question is option C, Ezra Pound, who was an imagist of the modern age. Unhone ye words utter kare. Now, why is he saying that there is no intellectual life in England left? Because of the fact that how there were world wars which were being fought because of no reason. So, he is talking about the meaninglessness, and with this meaninglessness, the loss of intellectuality that is also peeping in. That is why these words have been uttered by Ezra Pound. Next we have Transcendental Group was a group of American intellectuals for philosophical discussion. Kis tarike ki philosophical discussions karte the ye log? They were the ones who were talking about the oversoul. Par Brahma ka concept jo hai, uske bare mein ye baat karte the. Right? So these writers were very much also inclined towards the Hindu philosophy of thinking. Which text among the following is taken as a short treatise on transcendentalism? Take your time. The right answer, agar dekha jaye, to this question is Ralph Waldo Emerson ka essay Nature, jo ki 1836 mein likha gaya tha. Theek hai? To ye essay ko uska ek short treatise manifesto bataya jata hai transcendentalism ka. Transcend kar jana. Theek hai? So option A is the correct answer. Then we have character with the list of verbs you again are supposed to match. You're supposed to match. ठीक है. Estella, अगर हम देख लें, चलो ऊपर से शुरू करते. Christophine is a character in White Sargasso Sea by Jean Rhys. ठीक है. Zilla is a character in Wuthering Heights. So B is 2-1. Estella is a character in Great Expectation. ठीक है, Great Expectation. So option C is the correct answer here. Then we have which of the following characteristics of She Stoops to Conquer. She Stoops to Conquer के writer कौन थे? Comment down करके बताएंगे और अच्छे से बताएंगे. She Stoops to Conquer - name of the writer. She Stoops to Conquer एक play था. And who was the writer here? You will tell, but which among the following is not correct? यानी कि incorrect choose करना है. Ingenious and lively plot है, बिल्कुल है. Does not cast excellent characters. ये statement आपका answer है. It has a vivacious and delightful style. Lacks the restoration grossness, but it does not cast excellent characters. ऐसा नहीं है. She Stoops to Conquer में बहुत अच्छे तरीके से characters जो हैं, they are defined with the qualities that they have. Right? So option B is the correct answer here. Then we have Tennessee Williams, again associated with the American literature, written a work, A Streetcar Named Desire. इसके बारे में हमें true वाली चीजें choose करनी है. Take your time, look at the quote given below, and then answer. The right answer to this question is option B. It is set in New Orleans and it ends with Blanche's defeat and departure. गलत क्या क्या है? Protagonist is a Mississippi landowner? No. Wingfield is the narrator? No. Laura and Stella are cousins? No. No, that's incorrect here. So A and C are the ones which are correct. Option B is the right answer. Anna Karenina ki situation and worldview. So this is the third question. दो questions हमने शिफ्ट पार्ट वन जो है नॉन फिक्शन और फिक्शन के साथ उसमें मैंने एना कैरोलिना के डील कराया. तो आपको मैं यही बता रही थी कि एक ही शिफ्ट में तीन क्वेश्चंस यानी कि 6 मार्क्स अगर आपने एना कैरोलिना अच्छे से करा होता फॉर फ्री. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट रीडिंग द इम्पोर्टेंट रशियन राइटर्स की इम्पोर्टेंट मेन स्ट्रीम वर्क तो मोस्टली राइट. सो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, and these are the options to select from. The right option is option C. A, D and E jo hai ye correct hai. Anna is deeply committed to the family and children. Yes, she is, her passionate spirit
और डिटर्मिनेशन टू लिव अ लाइफ एट आवर ओन टर्म्स मेक्स अस सो यूनिक. इसी वजह से हमने पिछली वीडियो पार्ट वन में ये देखा था कि एना कैरेनिना वर्क जो है उसमें विमेन का जो पोर्ट्रेयल है वो अलग तरीके से दिखाया है, बहुत ही खुल के प्रोजेक्ट करा है विमेन को. शी बिकेम अ विक्टिम ऑफ द रैम्पेंट पेट्रियार्कल फोर्सेस. तो दीज थ्री आर द ऑप्शंस व्हिच आर करेक्ट. शी वर मोर ऑफ एन आउटकम ऑफ पैशन एंड इंस्टिंक्ट. नो. एक्सेप्टेड द एग्जाइल टू विच शी वॉज कंडेम्ड. नो. सो ऑप्शन ए डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. विच आर द फॉलोइंग वॉज इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर. मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस या लिटर्जिकल प्ले या इंटरल्यूड. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इंटरल्यूड. जैसे कि द फोर पीज करके इंटरल्यूड है. इंटरल्यूड क्यों यूज होते थे? इंटरल्यूड्स वर यूज फॉर कॉमिक रिलीफ. जब कुछ सीरियस ड्रामा चल रहा है उसमें बहुत ही रोना धोना, बहुत ही मारपीट एटसेट्रा है, तो गिविंग ऑडियंस अ ब्रेक, परफॉर्मिंग अ वेरी स्मॉल ड्रामा इन बिटवीन द प्ले एंड देन रिज्यूमिंग द सेम ड्रामा जो पहले चल रहा था, ताकि ऑडियंस एकदम सीरियसनेस में से थोड़ा काम डाउन हो जाए एंड देन अगेन प्रोसीड विद द सीरियसनेस ऑफ द प्ले विच वॉज बीइंग परफॉर्म. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लिएस्ट अवेलेबल इंडियन ड्रामेटिस्ट. इसके ऊपर, इंडियन क्लासिकल ड्रामेटिस्ट के ऊपर 15-20 मिनट की वीडियो आई हैव क्रिएटेड टू मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग देम इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो आप दृष्टि के चैनल पे यू कैन फाइंड, और यू कैन इवन यू नो राइट डाउन थिंग्स लाइक इंडियन क्लासिकल ड्रामेटिस्ट मेड इजी, यू कैन फाइंड दैट वीडियो देयर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भास. भास हमारे अर्लिएस्ट नोन ड्रामेटिस्ट है, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन Which are not mentioned as the aspects of the novel by E.M. Forster. तो E.M. Forster ने एक वर्क ही लिखा है aspects of the novel. उसमें उन्होंने कि क्या क्या होने चाहिए, these are various aspects of the novel. इनमें से कौन से उन्होंने mention नहीं करे हैं. तो टेक योर टाइम, लुक एट द कोड गिवन बिलो एंड देन आंसर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी हियर. स्टोरी होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, प्रोफेसी होना चाहिए, ये यू नो एक पर्टिकुलर नॉवल के एस्पेक्ट्स है. बट इमेजिनेशन और हार्मनी ये फॉस्टर ने मेंशन नहीं करे हैं, व्हिच मेक्स इट ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर हियर. राइट. देन मैच लिस्ट वन, द नॉवल विद द राइटर. इंडियन लिटरेचर में से आया हुआ है ये सवाल आपका, फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, ठीक है. तो आई टोल्ड यू मिसलेनियस भी है ये, फिक्शन नॉन फिक्शन मिसलेनियस. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एज टू टू वेटिंग फॉर द महात्मा इज बाय आर के नारायण. सो मेनी हंगर्स इज बाय भवानी भट्टाचार्य. Sword and the Sickle is by Mulkrajanand. ये एक ट्रिलजी Mulkrajanand ने लिखी थी, आप उस ट्रिलजी के बारे में पढ़ेंगे. Distant Drum by Manohar Malgaonkar. ठीक है, Distant Drum by Manohar Malgaonkar. So option A is the correct one. Then last question for today, इनमें से कौन सा literary journal या magazine नहीं है? Not. हाँ, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 101 डालमिशियंस. दिस इज द इनकरेक्ट वन. ये कोई जर्नल नहीं है, ठीक है. इसकी कॉमिक्स आती थी, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, द 100 डालमिशियंस, 101 डालमिशियंस करके आई थिंक कार्टून आते थे ये, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी ऑल वर सपोज टू कवर इन पार्ट टू ऑफ योर नॉन फिक्शन एंड फिक्शनल राइटिंग्स रिलेटेड टू योर 6 December के शिफ्ट. I'll bring up more such videos for your ease and practice, ताकि आप अपना level देख सकें with regards to 2023 के questions. Right? Till then, पढ़ते रहिए, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.